नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर श्रुतिशा और मैं एक पीडियाट्रिक ओटी हूँ। आज हम जानेंगे कि क्या होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और किसे कहते हैं पीडियाट्रिक ओटी। आइए जानते हैं। ऑक्यूपेशन यानी कि काम, ये काम कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब है कि जो भी काम आपको ऑक्यूपाइड रखे उसे हम आपका ऑक्यूपेशन कहेंगे। जैसे कि बच्चों में, बच्चे को स्कूल जाना, खाना खाना, टाइम पे सो जाना, फ्रेंड्स बनाना, खेल कूद करना, ये एक बच्चे का ऑक्यूपेशन है। और बड़े और बुज़ुर्ग में देखा जाए तो अपने जॉब पे जाना, अपना रोज़ बरोज़ का काम कर पाना, कुकिंग कर पाना, ये सब बड़े या बुज़ुर्ग का ऑक्यूपेशन होता है। जब भी कोई इंसान अपना रोज़ का ऑक्यूपेशन यानी कि अपना रोज़ का काम सही तरीके से नहीं कर पाता है, किसी भी फिजिकल, न्यूरोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल वजह से, तो उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, जो एक ओटी करवा सकता है। अब क्या होता है पीडियाट्रिक ओटी? तो जब भी कोई बच्चा अपने रोज़ बरोज़ के काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि स्कूल जाके लिख पाना कोई हैंड फंक्शन इश्यूज़ की वजह से, या फिर पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, या खेल कूद नहीं कर पाता कोई फिजिकल कारणों से, या उसकी नींद डिस्टर्ब रहती है कोई भी सेंसरी इश्यूज़ की वजह से, यानी कि ये बच्चा अपनी उम्र के बच्चे के जैसे रूटीन वर्क नहीं कर पाता, तब उसे ओटी की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर आपको पीडियाट्रिक ओटी का संपर्क कब करना चाहिए? अगर आपके पीडियाट्रिशियन ने आपके बच्चे के लिए इनमें से कोई भी कंडीशन डायग्नोस की है, जैसे कि ऑटिज़म है या डिसलेक्सिया है या सीपी बच्चे हैं जिनमें हैंड फंक्शन के इश्यूज देखे जा रहे हैं, किसी भी तरह का डेवलपमेंटल डिले है या कोई सेंसरी इश्यूज है, या फिर इनके अलावा किसी भी सिंड्रोम या बीमारी के कारण अगर बच्चा अपना कोई भी काम खुद से नहीं कर पा रहा है जो उसकी उम्र के बच्चे नॉर्मली कर सकते हैं, तो आप एक पीडियाट्रिक ओटी को कंसल्ट कर सकते हैं। वे आपको प्रॉपर असेसमेंट करके प्रॉपर चैनल से समझा सकते हैं कि आप अपने बच्चे को किस तरह से टैकल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।